नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो एक और वाटर पार्क के नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको लेके चलते हैं छप छपा छप वाटर पार्क सूरत में। तो जो भी चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और आप भी यहाँ पे आने का प्लान जरूर से कीजिएगा। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं छप छपा छप वाटर पार्क के पार्किंग एरिया में। तो गाड़ी को कर दिया है पार्क और चले चलते हैं यहाँ पे वाटर पार्क में। दोस्तों, ये आप सामने देख सकते हो छप छपा छप वाटर पार्क का मेन एंट्रेंस गेट, और यहाँ पे फन फंटा फन थीम पार्क भी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं छप छपा छप वाटर पार्क के टिकट काउंटर पे। दोस्तों, ये है यहाँ का टिकट काउंटर। आप टाइमिंग देख सकते हो, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक वाटर पार्क का टाइमिंग है। और यहाँ के टिकट प्राइस आप सामने देख सकते हो, एडल्ट पर्सन के लिए 800 रुपीज़ है, किड्स के लिए 500 और सीनियर सिटीज़न के लिए भी 500 रुपीज़ है। और ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है कार्ड काउंटर, जो कि कार्ड में आपको इंक्लूड करवाना होगा आपका लॉकर रूम और कॉस्ट्यूम। अगर आप यहाँ से लेना चाहते हो तो यहाँ से भी ले सकते हो, और घर से लेकर आना चाहते हो तो घर से भी लेकर आ सकते हो। और ये दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कॉस्ट्यूम प्राइस और लॉकर का प्राइस आपके स्क्रीन पे है। तो ये आप सामने देख सकते हो, ये है यहाँ का लॉकर एरिया, और उसके ठीक पीछे है चेंजिंग रूम एरिया। तो एक लॉकर में आपका कम से कम 2 स्कूल बैग आराम से रह जाएगा। तो ज़्यादा आप सामान लेके मत आइएगा अंदर, क्योंकि अंदर बाहर का फूड अलाउड नहीं है। तो चलिए अभी चलते हैं वाटर पार्क में, अंदर एंटर करते हैं। तो दोस्तों, ये आप सामने देख सकते हो, ये है चिल्ड्रन प्ले एरिया। तो यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए राइड्स अवेलेबल है, और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी बड़ी बड़ी राइड्स है वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए भी स्लाइड्स अवेलेबल है। तो आप साथ में लेके भी आप यहाँ पे घूम सकते हो बच्चों को। तो चलिए दोस्तों, अभी टाइम हो चुका है बड़े लोगों की राइड्स में जाने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ की सब स्लाइड्स। तो ये जो आप सामने सभी राइड्स देख रहे हो, तो अभी हम सभी स्लाइड्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, और जो भी चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि आप भी छप छपा छप वाटर पार्क में आने का प्लान बना सको। Thank you.
अभी हम जाने वाले हैं मस्ती माजा ट्रिल टावर में, तो देखते हैं कैसा ट्रिल है यहाँ पे। दोस्तों ये है यहाँ का वेव पूल जो कि बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पे पूरा कवर ऊपर से किया गया है ताकि आपको धूप ना लगे, तो ये एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो चले चलते हैं यहाँ का वेव पूल में, और बाद में जाएंगे हम लंच के लिए। फाइनली दोस्तों लंच का टाइम हो चुका है, तो ये आप सामने देख सकते हो स्प्लैश रेस्टोरेंट है यहाँ पे, जो कि बहुत ही बड़ा डाइनिंग एरिया है, तो आप यहाँ पे लंच करने के लिए दोपहर में आ सकते हो। तो लंच टिकट में इंक्लूड रहने वाला है 800 रुपये में, तो आप यहाँ पे अलग अलग डिश है जो आप सिलेक्ट करके मंगवा सकते हो। दोस्तों लंच हमारा हो चुका है, तो लंच बहुत ही बढ़िया था, तो चले फिर से चलते हैं वेव पूल में और बाद में बाकी की स्लाइड्स को एक्सप्लोर करते हैं। I am.
दोस्तों ये था आज का यहाँ का छप छपा छप वाटर पार्क का वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। और रुकिए, अभी यहाँ पे फन फंटा गेम है, वहाँ पे क्या क्या है थीम पार्क में वो हम आपको दिखाते हैं। तो चले चलते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों ये है यहाँ का थीम पार्क फन फंटा गेम, जो कि ज़्यादातर राइड्स यहाँ पे बच्चों के लिए है और बड़ों के लिए भी है, बड़े भी बैठ सकते हैं। और यहाँ का जो अंदर एंट्री है वो अंदर फ्री रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे जितने भी राइड्स है उनमें सभी राइड में 50 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ डिपेंड करता है वो कौन सी राइड है। तो आप यहाँ पर भी एंजॉय कर सकते हो वाटर पार्क के बाद। तो आपको दिखाता है यहाँ का फन फंटा गेम। दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। और जो भी चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आप भी यहाँ पे आने का प्लान जरूर से कीजिए।